दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में मैंने बात किया था फ्रेज के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नई चीज़ के बारे में, यानी कि उसी के आगे से हम बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी। इंग्लिश को अगर आप अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सीख सकते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से जान पाएंगे इंग्लिश को, किस तरीके से इंग्लिश जो है सीखी जाती है। यहाँ पर मैं पूरा बेसिक से लेके आपको चल रहा हूँ। अगर आपको इंग्लिश ग्रामर को अच्छे तरीके से टीच करना है, अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, पढ़ने के तरीक़ों को आप बदलिए, तभी जो है आप ग्रामर को सीख पाएंगे। अन्यथा ग्रामर ऐसी हल्की फुल्की चीज़ नहीं है कि आप सीख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे शुरुआती से मैं लेकर चल रहा हूँ इस चैनल पे, सारी की सारी वीडियोज़ मैंने बनाई हुई हैं इस चैनल पर। मैंने दो वीडियो को पहले ही अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने बताया है दिस दैट दिस दोज का सही प्रयोग, और उसके बाद मैंने बताया है वाक्यांश, वाक्यांश मैंने बताया है इन, ऑन, ऑफ, फॉर, ऑफ विथ, ये सब चीज़ें मैंने, और इसमें फ्रॉम का मैंने भी जिक्र किया है। तो इन सब चीज़ों का मैंने उसमें जो है बताया हुआ है किस तरीके से इंग्लिश में जो है इन सब चीज़ों का प्रयोग होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे समय बताने वाले शब्द, यानी कि सहायक क्रिया शब्द। समय बताने वाले शब्द का मतलब है इज एम आर, यानी कि जो शब्द समय बताते हैं उन्हें हम कहते हैं समय बताने वाले शब्द। यानी कि आप नई चीज़ शायद सुन रहे होंगे या काफ़ी लोग जानते भी होंगे कि इज एम आर को समय बताने वाले शब्द भी कहा जाता है। इज एम आर, इज एम आर का प्रयोग आज मैं बताऊंगा किस तरीके से सही प्रयोग क्या है इज एम आर का, और आपको मैं बताऊंगा। आपने सहायक क्रिया शब्द तो सुना ही होगा, लेकिन आपने समय बताने वाले शब्द शायद ना सुना हो, और काफ़ी लोग शायद जानते भी हों। तो आप जान लीजिए समय बताने वाले शब्द या सहायक क्रिया शब्द, हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर, वाज, वेयर, विल, शैल, ये सब चीज़ें जो हैं आगे मैं चर्चा कर दूंगा, लेकिन आज मैं इज एम आर का प्रयोग बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊँगा वाज, वेयर, और काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो सब आगे मैं डिस्कस कर लूँगा सब कुछ। आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा, इज एम आर के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी, और जो भी आपकी डिमांड होगी आप कमेंट में करिए, मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए ठीक है, मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आज ये वीडियो का तीसरा पार्ट है, अगर आपने दो पार्ट नहीं देखा हो तो उसको भी जाके देख लीजिए, तभी आपको जो है ये चीज़ें समझ में आएंगी, अन्यथा आप शायद कम समझ पाएँ। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि समय बताने वाले शब्द या सहायक क्रिया शब्द, यानी कि इसको इंग्लिश में जो है हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और एक बात और आप ध्यान रखिएगा, कोई भी वाक्य के अगर ये ध्यान रखिए आपकी जो समय बताने वाले शब्द या सहायक क्रिया शब्द जो होते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वो हिंदी में अंत में आती है और अंग्रेजी में नंबर दो पे आती है। इसका मतलब क्या है मैं चलिए आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले आप ये भी जान लीजिए, मैं आज प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करूँगा, केवल प्रेजेंट टेंस, यानी कि सिंपल टेंस है ये, प्रेजेंट का सिंपल टेंस है। इज एम आर का प्रयोग करवाऊँगा इसमें, यानी कि जैसे वह उस छत पर है, इस तरीके से मैं करवा दूंगा, राम इस छत पर है, लड़के इस कक्षा में हैं, उस कक्षा में है, या फिर जो भी चीज़ें होंगी। जैसे कि लड़के उस कक्षा में हैं, तो उस कक्षा में ये एक वाक्यांश बनता है, इस पर मैंने वाक्यांश वीडियो बनाया है, उसको देखिए अगर आप नहीं जानते हैं। तो जैसे मैंने वाक्यांश बताया था कि नंबर चीज़ें जो है एक दो तीन नंबर पर होती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर हिंदी में लिखूँ, इस कमरे में अगर लिखता हूँ मैं, तो सबसे पहले इसमें क्या होता है, सबसे पहले ये जो है एक नंबर है में, फिर इस जो है दो नंबर है, फिर कमरा जो है ये तीन नंबर है। तो इसमें क्या होता है, इसमें होता है इन दिस रूम, इस तरीके से होता है ना। तो इसमें क्या हुआ, एक नंबर पहले आया, फिर दो नंबर बाद में आया, फिर तीन नंबर सबसे पीछे आया। तो इसी तरीके से आप समझिए कि जो ये वाला चीज़ है इसमें भी इसी तरीके से होगा। आप अगर वाक्यांश नहीं देखें तो वो भी जाके देखिए, जैसे उसमें आगे पीछे होता था। आप ये जानिए कि हिंदी में जो भी चीज़ें होती हैं वो सब आगे पीछे होती हैं। जैसे इस कमरे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसमें जो है इस कमरे में जो में है वो एकदम लास्ट में है, में की इंग्लिश जो है सबसे पहले लिखी जाएगी, उसके बाद इसकी लिखी जाएगी, उसके बाद कमरे की लिखी जाएगी। ऐसे ही इन सब वाक्यों में भी किया जाएगा, किस तरीके से होगा चलिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं आप ये एक चीज़ और जान लीजिए कि कोई भी अगर वाक्य होता है, सबसे पहले उसमें जो एक नंबर वाक्य पूछा जाता है, उसमें वाक्य में आप एक नंबर पे सबसे पहले लिखेंगे कौन। आप कोई भी वाक्य जैसे लिए हैं, कोई भी वाक्य आके आपके सामने है, तो मैं अभी सिंपल टेंस आपको बता रहा हूँ, यानी कि वर्तमान टेंस
वर्तमान काल के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो प्रेजेंट टेंस का मैं एक और एक एग्जांपल आपको दूँ, जैसे राम इस छत पर है, उस वाक्य में अगर आपको सबसे पहले पूछना हो तो आप उसमें पूछेंगे कौन, तो वहाँ पे उत्तर निकल के आएगा राम। उसके बाद दो नंबर पे आपको इज, एम, आर, ये तीनों में से एक चीज़ लगानी है। राम आपको एक वचन लगता है, राम सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी कि एक वचन है। अगर एक वचन है तो आप वहाँ पे लगाएंगे इज, अगर कोई चीज़ अकेली होती है तो वहाँ पे एक वचन होता है। कोई चीज़ अकेली है अगर वहाँ पे एक वचन है तो वहाँ पे आपको लगाना है इज, अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे लगाना है आपको आर। एक से ज़्यादा भले ही दो हो, लेकिन एक से अगर बढ़ के दो हुई है या दो से कहीं भी ज़्यादा हो, कितनी भी हो, वहाँ पे आपको आर लगा देना है। जो संख्या निश्चित हो उसमें भी आपको आर लगा देना है अगर एक से ज़्यादा है तो, अगर अनिश्चित संख्या हो तो उसमें भी आपको आर ही लगा देना है। मान लीजिए दो लड़के वहाँ पे जा रहे हैं, टू बॉयज़ आर गोइंग, ऐसे हो जाएगा वहाँ पे आर, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जो टेंस बता रहा हूँ ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, दो लड़के वहाँ जा रहे हैं, इसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। आप शुरू से पहले सीखते चलिए, मैं सारे टेंसेस पैसिव एक्टिव सब कुछ करवाऊँगा आगे, सब कुछ सारी चीज़ें जो है कंप्लीट करवाऊँगा। आप परेशान न होइए, कोई चीज़ को अगर सीखना है तो आप बेसिक से चलेंगे, तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी और आप अच्छे तरीके से उसको सीख पाएंगे। तो जैसे यहाँ पे कौन है, तो कौन सबसे पहले आपको पूछना है किसी वाक्य में, जैसे राम इस छत पर है तो कौन, राम। उसके बाद आपको मिला दूसरे नंबर पे लगाना है ये सब चीज़ें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है एक नंबर पे, ये दो नंबर पे आपको ये जमार लगाना है, तीन नंबर पे क्या या कहाँ लगाना है। राम इस छत पर है, राम आपने लिख दिया पहले एक नंबर पे, उसके बाद इज एम आर का प्रयोग करना है आपको, इज एम आर का प्रयोग आपने कर दिया, उसके बाद इस छत पर आया है वाक्य में तो वहाँ पे उसको लिख देना है। आपको तीसरे नंबर पे वाक्य में पूछना है क्या या कहाँ, अगर आपको वाक्य में कहाँ नहीं मिलेगा तो क्या ज़रूर मिलेगा, अगर क्या नहीं है तो कहाँ ज़रूर, दोनों में से कोई एक चीज़ जो है तीसरे नंबर पर मिलेगी। मैं आपको एग्जाम्पल से यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे नीचे जैसे देखिए, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है राम इस छत पर है, तो सबसे पहले मैंने बताया है कि आपको वाक्य में पूछना है कौन कौन, तो यहाँ पे निकल के आया राम, तो ये हो गया एक नंबर। उसके बाद राम है कहाँ, उस छत, इस छत पर, ये तीन नंबर का वाक्य है। तो आपको करना क्या है, मैंने आपको वही ऊपर बताया था कि सबसे पहले आपको पूछना है किसी वाक्य में कौन, सबसे पहले आपको एक नंबर पे कौन, फिर दो नंबर पे आपको इज एम आर का प्रयोग करना है, उसके बाद तीन नंबर पे आपको क्या या कहाँ पूछना है। इसी तरीके से अगर आप इस वाक्य में पूछते हैं राम इस छत पर है तो एक नंबर ये है, दो नंबर ये है और तीन ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, जब हिंदी में चीज़ें जो हैं उल्टी सीधी होती हैं, दो एक तीन दो है तो वहाँ पे आपको एक दो तीन कर देना है। जैसे कि आपको यहाँ पे लिखना है राम है कहाँ, उस छत पर, यहाँ पे चीज़ें जो है एक तीन दो करके हैं, हिंदी में उल्टी सीधी रहती हैं, आपको इंग्लिश उन्हीं चीज़ों को जो है सीधा सीधा लिख देना होता है, वही आपका जो है ट्रांसलेशन हो जाता है। जैसे लड़के उस कक्षा में है, कौन लड़के हैं कहाँ उस कक्षा में, तो यहाँ पे क्या हुआ बॉयज, उसके बाद दो नंबर पे आर, बॉयज है इसलिए यहाँ पे एक से ज़्यादा लड़के की बात की गई है, तो यानी कि एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको सीधे सीधे आर लगा देना है। अगर एक है सिंगल तो वहाँ पे इंच लगाना है, एक से ज़्यादा हुआ या कितना भी ज़्यादा हो या एक से ज़्यादा अगर हुआ तो वहाँ पे सीधा आर आप लगा देंगे। उस कक्षा में है तो इन दैट क्लास, मैंने आपको वाक्यांश में बताया है कि उस कक्षा में पहले मे की स्पेलिंग लिखी जाएगी, फिर उसकी, फिर कक्षा की, तो इन दैट क्लास इस तरीके से लिखा जाएगा इसको। तीसरे नंबर पे ये आता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, अगर इसमें आप पूछेंगे कौन तो उत्तर निकल के आएगा कि मैं, ठीक है, उत्तर है मैं हूँ। मैंने बताया है कि दो नंबर पे इज, एम या आर का प्रयोग किया जाएगा, तो दो नंबर पे हूँ का आप प्रयोग कर लेंगे, आई एम के लिए, हूँ के लिए आपका आई एम का प्रयोग ये हो जाएगा दो नंबर, ठीक है। मैं हूँ क्या, यहाँ पे देखिए इस वाक्य में कहाँ नहीं मिला है आपको, जैसे उसमें मिला था राम इस छत पर है तो राम है कहाँ, इस छत पर, तो इसमें मैं हूँ क्या एक डॉक्टर, यहाँ पे कहाँ नहीं है, मैं हूँ कहाँ, कहाँ तो है ही नहीं, इसमें तो क्या मिल गया, क्या या कहाँ दोनों में से कोई ना एक चीज़ मिलेगी, यह आपको ध्यान रखना है, क्या या कहाँ पूछ लेना है वाक्य में। सबसे पहले वाक्य में आपको कौन पूछना है और कौन को ही एक नंबर पे लिखा जाता है, तो कौन मैं हूँ क्या एक डॉक्टर, कौन को आप लिख देंगे एक नंबर पे, कौन आ गया एक नंबर पे, आई, आई मीन्स मैं, कौन मैं आया और मैं के लिए आई हो गया, आई एम, आई एम दो नंबर पे, ए डॉक्टर ये तीन नंबर पे,
ऐसे यह भी है। कौन? यह कलम है। कहाँ? इस झोले में। कौन? दिस पेन। एक नंबर पे आ गया, ठीक है। दो नंबर पे ये आया और तीन नंबर पे ये आया। इस तरीके से वह किताब उस मेज़ पर है। आप इसको अच्छे तरीके से समझते चलिए। अगर नहीं समझ में आएगी जो भी चीज़ें आप कमेंट करिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। वीडियो को बार बार देखिएगा तभी जो है चीज़ें समझ में आएंगी, और जो भी दिक्कत हो आप कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और जैसे वह किताब उस मेज़ पर है, वह किताब कौन? वह किताब है दो नंबर पे, ठीक है। ये दो है और ये तीन नंबर है। तो वह किताब यानी कि एक नंबर हो गया, वह किताब एक नंबर, सॉरी एक नंबर है वह किताब। कौन? वह किताब है कहाँ? उस मेज़ पर। तो दैट बुक, दैट मैंने बताया हुआ है कि वह किताब के लिए इंग्लिश जो है क्या होती है। वह किताब का हो जाएगा दैट बुक इज, इज दो नंबर। ऑन दैट टेबल ये हो गया पूरा तीन नंबर। उल्टा सीधा है, एक तीन दो, एक दो तीन मैंने कर दिया। ऐसे सब में होगा, आप ये ध्यान रखिएगा। हर एक वाक्य में पूरे इंग्लिश में जितने भी ट्रांसलेशन किए जाते हैं सब कुछ इसी बेस पे है। आगे जो बड़े ट्रांसलेशन आएंगे उसमें जो है क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, कौन पूछा जाएगा, फिर उसमें क्रिया लगेगी, फिर उसके बाद क्या क्या होगा, वो थोड़ा और लंबा प्रोसेस है। उसके बारे में मैं आगे ज़रूर चर्चा करूँगा, सब कुछ बताऊँगा। आप परेशान ना होइए, पहले चीज़ों को जो है सीखते चलिए, और इन सब चीज़ों को आप अच्छे से जो है ध्यान में रखिएगा, तभी जो है सब कुछ आगे की भी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। वे गायें उस खेत में है, जैसे वे गायें उस खेत में है, तो कौन? वे गायें, एक नंबर हो गया ये आपका, ठीक है ना, एक नंबर ये है। कहाँ? उस खेत में। तो दोज काउच, यहाँ पे दोज के साथ हो गया काउच। काउच क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पे वे गायें हैं। आपको बोल के ऐसा लग रहा होगा कि वे गायें, एक से ज़्यादा गायें हैं, और यहाँ पे सीधे सीधे दो नंबर पे आर आ जाएगा क्योंकि बहुवचन है। इन दैट फील्ड यानी कि उस खेत में। ये कल में इस झोले में है, कौन? ये कल में है। कहाँ? इस झोले में। इस तरीके से दीज पेंस आर इन दिस बैग, ये तीन नंबर हो जाएगा। उसके बाद जैसे कि राधा उस कमरे में है, कौन? राधा है। कहाँ? उस कमरे में। इस तरीके से जो है आप सारे के सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख पाएंगे। और एक चीज़ और, आप इसका जो है पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, और पीडीएफ भी आप ज़रूर से रीड करिएगा, तभी जो है आपको और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सभी वीडियो का मैंने पीडीएफ दिया हुआ है, और पीडीएफ सभी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा आपको, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। राधा उस कमरे में है, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया है कि किसी भी वाक्य को करने के लिए सबसे पहले उसमें पूछना होता है कौन? कौन? राधा। उसके बाद दो नंबर पे क्या लगाते हैं? इज एम आर। राधा अगर एक वचन है तो वहाँ पे लगाएंगे इज, अगर एक से ज़्यादा लोग हैं तो वहाँ पे लगाएंगे आर, अगर हूँ है तो वहाँ पे लगाएंगे एम, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको करना है। राधा उस कमरे में है, तो राधा एक नंबर हो गया, है के लिए दो नंबर, इज लगा हुआ है क्योंकि राधा के साथ इज लगेगा क्योंकि राधा एक वचन है, सिंगुलर है राधा, ठीक है। अगर प्लूरल रहेगा यानी कि बहुवचन रहेगा तो वहाँ पर आर लगेगा। और इस कमरे में के लिए इन दैट रूम यानी कि तीन नंबर पर आया हुआ। लड़कियां उस कमरे में हैं, तो यहाँ पे लड़कियां उस कमरे में हैं, तो गर्ल्स आर, गर्ल्स एक नंबर, ये दो नंबर और ये तीन नंबर। ये गर्ल्स हो गया एक, ये दो, ये तीन। इसमें हिंदी में चीज़ें जो है एक तीन दो हैं, इसमें एक दो तीन हो गया। लड़कियां हैं तो आर लग गया यहाँ पे। मैं एक विद्यार्थी हूँ, आई एम ए स्टूडेंट हो गया यहाँ पे। मैं के लिए आई आ गया, आई एम के लिए हूँ के लिए एम आ गया, एक विद्यार्थी के लिए अ स्टूडेंट आ गया। एक के लिए होता है अ और विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट, ठीक है। और यह कलम इस मेज पर है, कौन? यह कलम है कहाँ? इस मेज पर। तो दिस पेन इज ऑन दिस टेबल, ठीक है ना। इस तरीके से जो है आप चीज़ें जो है समझ के चलिएगा, और काफ़ी सारे मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको करा दिए हैं। थोड़ा सा ये जो है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी जो है चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो पाएंगी। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे अगर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसी इंग्लिश मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं बता पाएगा। मैं एकदम बेसिक से आपको लेके चल रहा हूँ, और मेरी कोशिश ये है कि मैं सबसे थोड़ा अलग कर पाऊँ और सबसे थोड़ा अलग आपको बता पाऊँ, ठीक है। जैसे वह घड़ी उस झोले में है, वह घड़ी कौन? वह घड़ी है कहाँ? उस झोले में, ठीक है ना। दैट वॉच इज, ये दो नंबर, ये तीन नंबर। इन दैट बैग, ये कल में इस मेज पर हैं। ये कल में के लिए दीज पेंस हैं, के लिए आर हो गया यहाँ क्योंकि एक से ज़्यादा कल में हैं इस मेज पर यानी कि ऑन दिस टेबल। वे गायें उस खेत में है, कौन? वे गायें, के लिए दोज काउज हो गया, हैं के लिए आर हो गया, उस खेत के लिए इन दैट फील्ड हो गया। वह रेलगाड़ी उस स्टेशन पर है, कौन? वह रेलगाड़ी यानी कि दैट ट्रेन,
वह रेलगाड़ी के लिए दैट ट्रेन हो गया, वह रेलगाड़ी के लिए दैट ट्रेन है, वह रेलगाड़ी अकेली है इसलिए यहाँ पे इज आया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इज है, ऑन दैट स्टेशन उस स्टेशन पर है, तो ऑन दैट स्टेशन। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई है। इसके आगे का जो पार्ट है उसमें भी मैं आपको अच्छे से क्लियर और चीज़ें कराऊँगा, आप अगला पार्ट जो है ज़रूर देखिएगा, तभी जो है चीज़ें जो है अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें जो है समझ में आती रहेंगी। दोस्तों उम्मीद है कि आप वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपको वीडियो कैसी लगी, और कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करिए, मुझे बताइए कि क्या आपको समस्या आ रही है इसमें। अब इसके बाद अगर आपको बार बार वीडियो अगर आपको वीडियो कम समझ में आ रही है तो इसको दोबारा से वॉच करिए, सारी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। अगर आप नहीं देखे हो शुरू से पूरा वीडियो तो पहला पार्ट देखिए, दूसरा देखिए या तीसरा है इसको भी देखिए, और आगे जो है पार्ट आते रहेंगे वो सब देखते चलेगा, आपको जो है इंग्लिश ग्रामर एकदम अच्छे तरीके से आने लगेगी। दोस्तों चलिए आज तक के लिए इतना है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।